हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसएससी स्मार्ट क्लासेस। तो चलिए फ्रेंड्स, आज से हम एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर के 2017 के क्वेश्चन सोल्व करना चाह रहे हैं, टायर वन के। तो मैं यहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग के आपको क्वेश्चन पहले सोल्व करवाऊँगा, बिल्कुल मैं इसकी सीरीज शुरू करूँगा। ये जितने भी 42 सेट हैं, 42 के 42 सेट में आपके लिए रीजनिंग और उसके सोल्व करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की वीडियो। एंड हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितनी भी आपके पास नोटिफिकेशन है वो आपके पास ऑटोमेटिकली पहुंच जाएंगी। तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज की वीडियो। तो यहाँ पे मैं आपका 5 अगस्त का शिफ्ट वन का पेपर मैं सोल्व करने जा रहा हूँ, 2017 का टायर वन का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पावर वाट एंड। तो देखिए, पावर की एसआई यूनिट होती है आपकी वोट, ठीक है। पावर की एसआई यूनिट होती है वोट। इनमें से चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार ऑप्शन में इसमें सिर्फ वर्क होती है, इसकी एसआई यूनिट आपकी होती है जूल, ठीक है। बाकियों की भी मैं बता देता हूँ, प्रेशर, ठीक है। प्रेशर की एसआई यूनिट होती है आपकी पास्कल, ठीक है। फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर की होती है, मींस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो ये इसकी एसआई यूनिट होती है। फोर्स की होती है आपकी न्यूटन, ठीक है। और आपकी रेजिस्टेंस की होती है, ठीक है, जो कि ऑपोजिशन इन द फ्लो ऑफ चार्ज, क्या होता है आपका, ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। इसकी यूनिट होती है आपकी ओम, ठीक है। एक वर्ग की होती है, ये आपकी करेक्ट है, ऐसा यूनिट जूल। आगे देखिए, फटाफट देखिए, एन पी बी जी ओ क्यू सी एच ए जे ओ टी क्या होगा, बिल्कुल आसान है, एन एम एन ओ पी पी क्यू बी सी जी एच, एक एक ऐड हो रहा है, तो ए के साथ बी, जे के साथ आई जे के, ओ के साथ एम एन ओ पी एंड टी के साथ क्यू आर एस टी यू। तो ये आपका आंसर हो गया बी के पी यू। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आप या तो पूरी ए बी सी डी की टेबल बना लीजिए, वो भी बेस्ट है, एक बार बना लीजिए पेपर से पहले, तो वो आपका सारा काम आसान कर देगी, आपको याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, 101, ये हमारे पास क्या होगा। देखिए, 101 का स्क्वायर होता है आपका 107 का स्क्वायर। स्क्वायर का प्रोसेस चलना था यहाँ पे, बिल्कुल आसान हो गया। वैसे भी स्क्वायर निकालने का एक बेस्ट मेथड होता है, वो आप मेरी वीडियो भी देख लीजिए, शॉर्टकट 77 49, ठीक है। ये 10 का स्क्वायर आपका हो गया 100, यहाँ पे 10 और 10 इनको ऐड करिए, पहले इनका स्क्वायर कीजिए फिर इनका स्क्वायर कीजिए। 10 का स्क्वायर आपका क्या होता है 100, उसके बाद ये आपस में ऐड करिए और 7 से मल्टीप्लाई करिए, 10 और 10 20 आते 140, ये ऐसे भी आएगा। ये एक शॉर्टकट मेथड है, वो मैं आप मेरी वीडियो देख लीजिए शॉर्टकट वाली, वो नीचे डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दिया हुआ, बहुत ही सिंपल और बहुत ही फास्ट मेथड है, कोई भी आप क्वेश्चन कर लीजिए इससे। एक और आगे चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, लोयन लेपर्ड स्नेक और टाइगर में से ओट क्या है। तो ऑब्वियस ही बात है स्नेक होगा। स्नेक क्यों होगा, क्योंकि बाकी सारे तो क्या हैं आपके, दौड़ने वाले हैं, उनके चार पैर हैं, बाकी सबके क्या हैं, पैर हैं। स्नेक क्या है, ये रेंगता है, ये एक रेप्टाइल है, ठीक है, ये आंसर हो गया इसका। एक और क्वेश्चन देखिए,
फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, ओड बताना है एन पी आर टी वी डब्ल्यू। हाँ तो इसमें आपको क्या बताना है, ओड बताना है ए बी सी डी। हमेशा पेपर में ये टेबल ज़रूर लिखिएगा, ये आपका टाइम सेव करेगी। 4, 8, 12, 16, 18, 22, 25 ये 26। ओके अब देखते हैं, एन पी एक छोड़ के पी है और एक छोड़ के आर है, टी एक छोड़ के वी है बट तुरंत डब्ल्यू है। चलो और चेक करते हैं, एफ एक छोड़ के एच है और एच एक छोड़ के जे है, के एक छोड़ के एम है, एम एक छोड़ के ओ है, तो मतलब ये आपका ओड हो गया। ठीक है, समझ गए ना, क्योंकि इसके बीच में कोई गैप नहीं है, इन दोनों के बीच में इसमें 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 एक एक का गैप है, इनके बीच में इसमें कोई गैप नहीं है। V के बाद सीधा W दिया हुआ है, P के बाद R नहीं आता, तो ये एक शॉर्टकट तरीका हो गया। सिक्स देखिए, 69, 59, 61 एंड 53 ये आपको दिया हुआ है, तो ये भी कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। देखिए ये तीन आपके क्या हैं, ये तीन हमारे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, जिनका आपका फैक्टर वन होता है या फिर खुद इट्सेल्फ वो होते हैं। ठीक है, जिनका फैक्टर वन होता है या फिर इट्सेल्फ वो होते हैं। वन एक ऐसा नंबर है, नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट, नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट। ठीक है, तो ये 69 आंसर है, क्योंकि ये 13 का मल्टीपल है। ठीक है, तीन का भी है। एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, डिक्शनरी का है ये। मेरे ख्याल से बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आप खुद कर लीजिएगा, इसमें कुछ नहीं है आपका। वर्ड आपको रीअरेंज करने हैं, जो अल्फाबेटिकल सबसे पहले आएगा या फिर दूसरा या फिर तीसरा लेटर उनका, ठीक है, तो वो आपका आंसर होगा। नहीं आएगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कैसे करने हैं क्वेश्चन। मतलब अल्फ़ाबेटिकली आपको सारे ऑर्डर चेक करने हैं कि ये अल्फ़ाबेटिकल पहले होगा, जो सबसे पहले होगा वो आप लिख दीजिएगा। आगे देखिए, 8th क्वेश्चन, बी सी एफ सी डी जी डी ई एच, ये है, यहाँ क्या आएगा, बी सी डी, उसके बाद क्या आएगा, ई आएगा, सी डी ई एफ आएगा, एफ जी एच आई आएगा, ये आंसर हो गया। आगे देखिए, सीरीज का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान था, देखने से पता चल रहा है, जा रहा है। 5, 12, 27, 58 ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए ये कोडिंग के टर्म में दिया हुआ है। इस तरह क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, तो आप प्लीज़ इस क्वेश्चन को छोड़ के पहले दूसरा क्वेश्चन करिए, टाइम बचता है तो करिए क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है ये। पी थ्री क्यू, देखिए पी इज़ द डॉटर ऑफ क्यू, पी फाइव क्यू, पी इज़ द फादर ऑफ क्यू, 7 मदर हो गया, 9 के लिए आपका सिस्टर हो गया, तो आपको ये कोडिंग बतानी है। तो कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। जे थ्री एल, इसका मतलब क्या है, आप जे थ्री एल का मतलब जे इज़ द डॉटर ऑफ एल, जे इज़ द डॉटर ऑफ एल। अब एल के बारे में हमें नहीं पता, वो मदर भी हो सकती है, फादर भी हो सकता है। अब ये डॉटर है, डॉटर के लिए आप ये बनाइएगा गोला, ठीक है, ये रूल है, ये मतलब एक खुद का ही ये बनाया हुआ एक रूल है, ऐसा कोई नहीं है, कंसेप्ट नहीं है ये, बट एक तरह से नोटेशन है जो आपको बहुत हेल्प करेगी। अब देखिए 9 आ गया, एल 9 एन, मीन्स एल इज़ द सिस्टर ऑफ एन, यहाँ पे सिस्टर का रिलेशन है ना, सो एल इज़ द सिस्टर। अब सिस्टर है तो मतलब ये आपकी वूमेन होगी, किसकी है, एन की है। अब सिस्टर के लिए ये रिलेशन, हस्बैंड के लिए ऐसा रिलेशन लगाओगे, इसका कोई हस्बैंड होगा एल का, लेकिन सिस्टर के लिए आप ये नोटेशन लगाओगे। अब एन की है तो एन के बारे में नहीं पता। अब एन थ्री ओ, मतलब एन इज़ द डॉटर ऑफ ओ, तो डॉटर है ये और किसकी है, ओ की। अब ओ के बारे में हमें नहीं पता कि क्या है वो, ओ फाइव के, मीन्स ओ इज़ द फादर ऑफ के, ठीक है, फाइव का कोड फादर के लिए था, ओ इज़ द फादर ऑफ के, तो फादर है तो मतलब ये
ऐसे लगाओगे। और किसका फादर है ये? ओ के का फादर है। अब के बारे में भी नहीं हमें पता, लेकिन वो इनका वो होगा ब्रदर या सिस्टर होगा। तो ऐसे करिए आप के, वी डोंट नो अबाउट द जेंडर ऑफ के, हमें के का जेंडर नहीं पता अभी। अब के और जे का रिलेशन पूछा है कि हाउ इज़ जे रिलेटेड टू के। अब जे जो है वो के का क्या होगा? भांजी होगी, चाहे वो बहन हो या भाई हो, वट एवर बी इट्स मेल और फीमेल, ये इसकी भांजी होगी। ठीक है, क्योंकि अब बहन का जो बेटा होगा, बहन का बेटा होगा या बेटी होगी, वो क्या लगेगा, भांजा या भांजी? तो इसका आंसर होगा नीज। एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन मैं आपको स्टेटमेंट खाली बता रहा हूँ, आप ओरली उसे समझिएगा। देखिए राखी जो है वो, या फिर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, पीडीएफ भी दी हुई है, फिर इसको देखिएगा, दोनों को एक साथ देख सकते हैं आप लैपटॉप में, आप अपने कंप्यूटर में खोल करके। राखी देखिए 10 साल पहले एंगेज्ड हुई थी, ठीक है, 10 ईयर्स पहले ये एंगेज्ड हुई थी। सपोज करो इसकी प्रेजेंट एज आर है। अब राखी की जो प्रेजेंट एज आर है वो क्या है, इन्होंने दिया हुआ है 5/3 times ऑफ हर एज एट द टाइम ऑफ एंगेजमेंट। उसके एंगेजमेंट के टाइम वो 5/3 थी उसकी एज, तो एंगेजमेंट के टाइम उसकी एज क्या थी, r-10 होगी। यहाँ से आप r निकाल लीजिएगा, ये इसको मल्टीप्लाई करके, तो 3r, ये क्या है इसकी प्रेजेंट एज है। ठीक है, ये इतना पार्ट निकल गया। अब इसकी प्रेजेंट एज क्या दी हुई है, द प्रेजेंट एज ऑफ राखीज मदर, राखी मदर की जो प्रेजेंट एज है वो ट्वाइस है राखी की प्रेजेंट एज से, राखी की प्रेजेंट एज से क्या है, ट्वाइस है, सॉरी इसकी प्रेजेंट एज कितनी होगी, 25 होगी, अब इससे ट्वाइस है यानी कि 50 होगी वो। तो 10 साल पहले इसकी एज पूछी है, 10 साल पहले कितनी होगी, 40, ये आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो आसान है, ये बताना है कि इनमें से कौन सा वर्ड उससे बनाया जा सकता है। ठीक है, सस्पेंस फुलनेस, तो वर्ड चेक कर लीजिएगा, बना दीजिएगा। इस तरह क्वेश्चन बड़े इजी हैं, वो आप खुद कर लीजिएगा। 13 देखिए, बैड एक कोड है उसको 7 लिखा है, सैप एक कोड है इसको 9 लिखा है, तो बैन का कोड क्या होगा। ठीक है, आपको ए बी सी डी पता है तो आप कर सकते हो। देखिए एक इस तरह से लिखा गया है, ये 2, 1+4, 7, ये कितना है, एस का कोड कितना होता है, यहाँ देखिए यहाँ आपका एस का कोड कितना हो गया, 16, ये 19 हो गया, सीधा लिख सकते हैं 19 और 1 20, और पी का कितना है आपका 16, 20 और 16 36, तो ये आपका हो गया 36, और ये 9 दिया हुआ है, मतलब इसको ऐड किया गया है, 9 आ गया। तो बैन का देखिए 2+1+n का कितना है आपका 12, 13, 14, ठीक है, ये कितना हो गया, 14 और 3, 17, इनको ऐड करिए कितना आ गया, 8, तो 8 आपका आंसर हो गया। देखिए कितना इजी था ये। अब 14th क्वेश्चन है, 14th क्वेश्चन भी आसान है कि कौन सी डिजिट को आप इंटरचेंज करोगे तो आपका रिजल्ट 28 निकलने वाला है। तो वो आप ऑप्शंस चेक करिएगा, जो जो ऑप्शंस आपकी नहीं आती उनको एलिमिनेट करके आप आंसर निकालिएगा। तो 15th क्वेश्चन देखिए, जो इजी है वो आप खुद कर सकते हैं, उनमें आपका खुद बस एक को ओरली दिमाग लगाना है। ये दिया हुआ आपको, देखिए को ये निकालना है। अब देखिए इनको मल्टीप्लाई करके इसका क्यूब निकाल के देखिए कितना आएगा, 8000 आ गया, 3 × 6, 6 का स्क्वायर 36, ऐसे ही 4 × 3 = 12, और 12 का आपको क्यूब निकालना है, वो कितना आएगा आपका, 8, 1728। वैसे भी इसका क्यूब निकालने का मैंने आपको फार्मूला बताया था, वो मेरे शॉर्टकट की वीडियोस हैं, वो आप देख लीजिए,
से एक बार और मैं बता देता हूँ, 12 का क्यूब कैसे निकालोगे आप। देखिए आसान है, 1 का क्यूब करिए, 2 का क्यूब करिए 8, 1 का स्क्वायर करके 2 से मल्टीप्लाई करिए 4, 2 का स्क्वायर करके 1 से मल्टीप्लाई करिए करिए कितना, सॉरी 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 2 2, 2 का स्क्वायर करिए और 1 से मल्टीप्लाई करिए 4, इसका फिर डबल डबल करिए, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, इनको ऐड करिए, 4 दो 6 और 1 7, ये मेरा आंसर हो गया। वैसे भी एक ही ऑप्शन था जिसके पीछे 8 था, तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। हाँ तो ये मेरे पास क्वेश्चन है तो बताना है। देखिए बड़ा आसान है, देखने से पता चल जा रहा है, 5 से 15 और इनकी आपस में मल्टीप्लाई करो कितना आया 30, और उनमें एक जोड़ दिया, ऐसे ही ये है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 से 12, 6 दुनी 12, सॉरी इनकी आपस में मल्टीप्लाई की हुई है, चार दिए 12, 144, उसमें एक जोड़ दो तो 145 हो गया, ऐसे ही है, 5 दुनी 10, 7 एकम 7, 10 सते 70, उसमें एक जोड़ दो 71 आ गया, ये मेरा आंसर हो गया। और क्वेश्चन देखिए 17th, इसमें अब बतानी है आपको कितनी ट्रायंगल्स फॉर्म्ड हो रही हैं। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, आपको जो भी ट्रिक होंगे वो मैं इसमें बता दूंगा। देखिए कितनी ट्रायंगल्स हैं, देखिए अगर हमारे पास ये फिगर है, खाली ये वाली फिगर, ये वाली फिगर है, इसमें कितने ट्रायंगल्स काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 दुनी 12, इस तरह से टोटल काउंट कर सकते हो 12। अगर आपके पास ये है तो इसमें 1 प्लस 2, इस तरह से नंबरिंग करके इनको ऐड करिएगा, ये होगी 3, ये है आपके पास तो 1 प्लस 2 3, टोटल होगी हमारे पास 18। अब देखिए, अब इसमें आपको लास्ट स्टेप होता है कि इनसे कोई हिडन ट्रायंगल तो नहीं बन रही, तो एक तो ये हिडन ट्रायंगल बन रही है, ठीक है, एक ये हिडन ट्रायंगल बन रही है, ठीक है, एक ये हिडन ट्रायंगल बन रही है और एक ये हिडन ट्रायंगल बन रही है, और तो नहीं कोई ट्रायंगल बन रही, तो प्लस 4, तो ये 22 आपका आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये बिल्कुल कंसेप्ट से मैं आपको बताऊंगा। सम पेन आर पेंसिल्स, ठीक है, एंड ऑल पेंसिल्स आर इरेजर, ठीक है, आपको कंक्लूजन मैं बाद में बताता हूँ, सबसे पहले इसकी पॉसिबल फिगर बनाइए आप। देखिए कुछ पेन पेंसिल हैं, तो आप इसकी फिगर कैसे बना सकते हो, एक तो ऐसे बना सकते हो, ठीक है, कुछ पेन आपकी पेंसिल्स होगी, एक ऐसे फिगर बन गई, और कैसे बना सकते हो, ऐसे, ठीक है, कि कुछ पेन आपके पेंसिल्स हैं, यही दो पॉसिबल डायग्राम बन सकती हैं, ये तो बन नहीं सकती, इसमें तो ये हो गया कि सारी की सारी पेन आपकी पेंसिल हैं, लेकिन हमें क्या दिया हुआ है कि सम पेन और पेंसिल्स, तो ये तो गलत हो गया, ओनली टू पॉसिबल डायग्राम। अगला है ऑल पेंसिल आर इरेजर, ये हो गया, इसमें देखिए दो डायग्राम कैसे बन सकते हैं, इससे दो डायग्राम, एक तो ये बन गया, एक ये आपका हो गया और एक ऐसे हो गया, अब सारी की सारी आपकी पेंसिल इरेजर हैं, तो इसको मैं ऐसे भी तो बना सकता हूँ, ठीक है, ये ऐसे बन गया। अब कंक्लूजन की तरफ देखते हैं, पहला कंक्लूजन है मेरा, सम पेन्स आर इरेजर,
some pen or eraser. अब देखते हैं, अब कुछ पेन इरेजर हैं, करेक्ट हो रहे हैं। कुछ पेन आपके क्या हैं, एक इरेजर ये है, कुछ पेन आपके इरेजर हैं, इसमें भी करेक्ट हो रहा है, और कुछ पेन आपके इरेजर हैं। अब देखिए, कुछ पेन आपके मतलब अब सारे के सारे पेन यहाँ पे आपके क्या हो रहे हैं, इरेजर हो रहे हैं इस केस में, लेकिन इसका मतलब कुछ पेन तो इरेजर हैं, तो इसमें भी ट्रू है ये केस कि कुछ पेन तो इरेजर हैं, सारे भले ही सारे हों पर कुछ पेन तो डेफिनेटली हैं, तो पहला क्या हो गया, करेक्ट हो गया। सेकंड देखिए, नो पेन आर इरेजर, अब एक भी ऐसा डायग्राम बता दीजिए जिसमें पेन और इरेजर के बीच में कोई रिलेशन ना हो। यहाँ पे तो है भाई, सम का रिलेशन है, यहाँ पे भी सम का रिलेशन है, यहाँ पे सारे के सारे इरेजर जो हैं वो पेन हैं, या फिर कुछ पेन आपके इरेजर हैं, और यहाँ पे सारे के सारे पेन आपके इरेजर हैं, तो मतलब रिलेशन बन रहा है, तो ये गलत हो गया। थर्ड देखिए, थर्ड है सम इरेजर आर पेंसिल, सम इरेजर आर पेंसिल, हाँ तो वो तीनों डायग्राम में कुछ रिलेशन बन रहा है पेंसिल का इरेजर के साथ, पेंसिल का इरेजर के साथ एंड पेंसिल का इरेजर के साथ, हाँ तो ये ट्रू हो गया। तो ये एक तरीका होता है निकालने का चीज़ों को। एक और क्वेश्चन देखिए, 19th, आपको थ्री डाइस की अलग अलग तरह की रिप्रेजेंटेशन दी हुई है, तो आपको बताना है आई के अपोजिट कौन सा फेस आएगा इसके अपोजिट। तो ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन तो है नहीं ये। देखिए यहाँ पे देखिए, ये वाली जो चीज़ होती है ये इसकी एडजेसेंट होती हैं, तो ये तो कभी भी आपकी इसके अपोजिट हो ही नहीं सकती। तो आई के एडजेसेंट देखिए आप कौन कौन सी होगी, सेकंड होगी, फोर्थ होगी, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे अगेन वन है, तो थर्ड वाली भी होगी एडजेसेंट इसके, और फिफ्थ वाली भी होगी। तो अब बची कौन सी रिप्रेजेंटेशन हमारे पास, केवल सिक्स्थ बची, तो सिक्स्थ मेरा इसमें आंसर हो गया। तो जो बच गई वो इसके अपोजिट होने वाली है, सो बड़ा ही सिंपल कंसेप्ट है। एक और क्वेश्चन देखिए, ये मेरे पास फिगर दिया हुआ है, इसमें मेरे को पूछा हुआ है कि हाउ मैनी पेन आर ब्लू, देखिए कितने पेन ब्लू होंगे। अब देखिए ये आपका ब्लू का हो गया और ये आपका पेन का हो गया, मतलब ये वाला जो रीजन होगा वो आपका वो वाले पेन देने वाले हैं जो ब्लू है, तो 19 हो गया। एक ये वाला रीजन भी है, ठीक है, जो आपका ब्लू भी है आपका पेन भी है, बट एक्चुअली वो आपका ब्लैक भी हो गया। तो अगर आपको, मेरे ख्याल से तो इसका आंसर 19 होना चाहिए, लेकिन उन्होंने 23 दिया हुआ है, बट वो मेरे ख्याल से इस तरह से होगा 23 आंसर, इफ़ पेन आर हाउ मैनी ब्लैक आर ब्लैक पेन आर ब्लू, तब मैं बोल सकता था 19 और 4 23। अगर हाउ मैनी पेन आर ब्लू, सिर्फ ब्लू बोला है तो 19 होना चाहिए। कंडीशन वैसे इन्होंने मेंशन नहीं की, तो आंसर 19 होना चाहिए, एसएससी ने वैसे 23 दिया हुआ आंसर। तो इन्होंने शायद ब्लू एंड ब्लैक वाला केस कंसीडर किया नहीं, तो फिर आप देख लीजिएगा, वैसे आंसर 19 होना चाहिए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 21 से 25, ये फिगर से रिलेटेड बड़े ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, तो उसमें भी मेरे ख्याल से सिर्फ आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करेगा, उसमें कोई ट्रिक्स नहीं है, ओनली यू हैव टू विजुअलाइज द क्वेश्चन एंड यू हैव टू परफॉर्म द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू डैट। सो अगर फिर भी नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। सो तब तक के लिए धन्यवाद, एंड प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।